भाई किदा गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आप सबका स्वागत है। एंड अभी हम जा रहे हैं जिम, ठीक है। एंड ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना, क्योंकि इसमें ना बहुत ऐसी बात करने वाला हूँ। एक लड़की ने बहुत ज़्यादा फालतू बोल दिया, मैंने एक कल रील देखी, उस लड़की ने इतना फालतू बोल दिया, मतलब ऐसी सेंसलेस बात कर दी ना उसने भाई, उसको आज मैं बताऊँगा, उस पर मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो भाई एंड तक देखना, अब हम चलते हैं जिम। तो मैं चीज़ दिखाऊँ, मैंने कल ही शुरू करा है, तुम्हें दिखाता हूँ एक मिनट। अपनी गाड़ी, ठीक है, ये हमारी एक राम प्यारी और ये हमारी दूसरी राम प्यारी। जैसे नहीं होता, मैं साइकिलिंग भी करता हूँ, मुझे बहुत शौक है साइकिलिंग का, मैं दूर दूर जाता हूँ साइकिल से। सो मैंने सोचा इन दोनों को साथ ही खड़ी कर दूँ, बढ़िया रहेगा, है ना। चलो जिम चलते हैं, एक मिनट, ये भाई से स्टार्ट करते हैं, तो मैं दिखाता हूँ कितनी सही लगती है। जी भाई नाइस, चलो जिम। हेलो, मेरा स्टूडेंट भाई साहब, आप सही बन रहे फोरम, बट बन जाएंगे मेरे से मैसिव फोरम। सो आज क्या मार रहे हैं? बैक बाइसेप। आज मार रहे हैं बैक बाइसेप, मेरे को जरूरत है, मेरे को यू नो ट्रेनर एंड ट्रेनर अंश कुराना। यस, सो हाँ, मैं तुम्हें वैसे पहले बता दिया था कि यार तुम बैठ जाओ यार, घबराहट कर देते हो। मैं तुम्हें पहले बता दिया था कि जिम के बाद वाला पार्ट जरूर देखना, उस लड़की के जो उस लड़की ने बोला है। एंड यस, एंड भैया कोई टिप दो हमारे जो नए बंदे जिम के, टिप दो। क्या टिप दूं? कि इंजेक्शन नहीं लगाना। इंजेक्शन लगाना चाहिए, उसकी बॉडी की बनती है भाई। भाई एक मेरे चैनल पे ना स्ट्राइक डलवाएंगे, कॉपीराइट भी नहीं, स्ट्राइक सीधा। आज बैक बाइसेप है ना, आज हैवी वेट मार लेंगे, वो 100 किलो 500 किलो, ठीक है, वार्म अप है 500। तो चलो आज बैक बाइसेप मारते हैं, जिम में मिलते सीधा। ब्रो क्या बोल रहे हो, हैवी है? हैवी है भाई, से हैवी बता रहा अंश भाई, ये मेरा कोच है अंश खुराना, किसी को ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी हो तो इस मैसेज कर दे। भाई वेट दिखा रहा हूँ, फुल कर दे भाई, वेट दिखा रहा हूँ भाई, जल्दी। तो गाइस अंश ने इतने वेट से मार रहा था, ओ माय गॉड। तो भाई खाली खाली से मार रहा था अंश खाली से मार रहा था। नहीं, पिन टूट गया था क्या ब्रो? हाँ भाई पिन टूट गया था ना। आज का वर्कआउट भाई, पंप दिखा दो भाई, पंप। ओ भाई आगे भाई आगे, बैक पोज भाई, बैक पोज। वर्कआउट किया ना मैंने, ये थक गए, इसलिए छोड़ना पड़ रहा है बीच में, ये थक गए बीच में यार, मत थका करो यार, पता है सारी डेडिकेशन टूट जाती है। थोड़ी और बॉडी बनानी पड़ेगी आपकी, टक्कर ले लेंगे सर। यस भाई, आज जिम कैसा हुआ? बहुत बेहतरीन। चलो मैं तुमको आज एक वो देता हूँ टिप जो भैया ने मुझे दी थी। चलो तुम्हारा पहला या पहला हफ्ता है ना जब मैं, और कोई बंदा या ट्रेनर आके तुम्हारी फॉर्म सही करे, तो भाई क्या बोलना है? कुछ नहीं बोलना, सुन लेगी मैं इसकी। भाई दुनिया को क्यों गुमराह कर रहा है? गाइस तुम्हें आज मैं साफ दोस्तों के बारे में बताता हूँ, ऐसे दोस्तों से दूर रहो, ये तुम्हारा डाउनफॉल का कारण बनेंगे। मेरा जिम गाइस TNP, हम जिस लड़की की बात कर रहे थे ना, अब हम उसकी वीडियो चलाएंगे, ठीक है, यहाँ उसकी वीडियो चलेगी,
हम कुछ नहीं बोलेंगे पूरी वीडियो में, हम एंड में बोलेंगे ठीक है भाई। मुझे लॉजिक लगा जीरो, भाई आपको क्या लगा? भाई सेंसलेस बात है, सेंसलेस ठीक है। तो अब हम उसकी वीडियो चलाते, तुम देखो। आई थिंक गर्ल्स तब चीट करती हैं व्हेन द बॉय इज नॉट फिजिकली कंपैटिबल एंड नॉट गुड इन बेड। सिर्फ यही एक रीजन है, दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस जो मैंने अपनी फ्रेंड्स में देखा है कि यार, और इनके लिए क्या कंपैटिबल रहता है, मतलब मैं जानना चाह रहा हूं। Satisfy a girl on bed, then I think it is a big turn off. And if I know ki, for example wali baat hai, never happened, but yeah, at least with me, been lucky. So I think ki agar, if I have a boyfriend, you know, who just fools around in the bed for like 2 minutes, and if I know my friend, she has a guy who can like, you know. एक घंटे दो घंटे नॉट इट्स नॉट घंटे कि आई नो ही इज टू गुड यू नो ही हैज द स्किल्स सो यस एक दैट सेक्सुअल अट्रैक्शन विल बी देयर भाई। अगर ये चीज कोई लड़का बोल देता ना भाई, लेनी हो जाती भाई कसम से, भाई जेल तक जाने की नौबत आ रहती है। खत्म ये, हां ये चीज लड़का बोल देता भाई। तुमने वीडियो देख ली? मतलब ये मैम बोल रही है कि अगर कोई लड़का सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो अगर वो 2 मिनट तक बेड पे है तो चीट करो, चीट करो भाई, चीट करो। नहीं मतलब ये देखो, हम कोई बात नहीं घुमाएंगे। इसने बोला कि मैंने इसे देखा है, बहुत से लड़के ऐसा करती है मेरे फ्रेंड सर्कल में। हाँ मेरे फ्रेंड सर्कल में भाई, चेंज कर दो फ्रेंड सर्कल भाई। अगर ये चीज लड़का बोलता ना भाई, जेल जाता। ये चीज अगर हम बोलते, ये सेम चीज हम बोलते थे कि भाई वो लड़की है मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी बेड पे तो मैंने उसे चीट कर दिया। और दोस्त के बॉयफ्रेंड अच्छे होते हैं तो। हाँ और इसने एक लाइन सुनो, उसने क्या बोली कि क्या कहते हैं, अगर मेरा एक मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा पार्टनर है, एक्सप्लिसिट कोई भी है, अगर वो सिर्फ 2 मिनट तक बेड पर टिक पाता है, एंड ऑन द अदर हैंड मेरे दोस्त का पार्टनर अगर बहुत अच्छी स्किल्स है, बहुत अच्छा ये है, तो भाई हम उससे फिजिकली क्या मतलब पूरे रिलेशनशिप में तुम्हारी सिर्फ यही चीज होती है, है? मतलब कि सब प्यार ट्रस्ट सब बाढ़ में जाए। प्यार ट्रस्ट तो बहुत बड़ी बात है जेन्युइनली। अगर तू या मैं बोल देता ऐसा कहीं वीडियो पर, वो वायरल हो जाती भाई। अभी दोनों थाने में बैठे होते हैं, यूं बैठे होते दोनों, हाँ, ऐसे ऐसे कान पकड़ के जेन्युइन भाई। ये चीज मुझे बहुत सेंसलेस लगी कि ये लड़की बोल रही है कि 2 मिनट तक है तो, और अगर मेरे फ्रेंड का बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है बेड में तो मेरे को वो सेक्सुअली अट्रैक्शन होगा। भाई प्यार नाम की चीज होती है, कुछ होता है ट्रस्ट प्यार? सेंसलेस बात है भाई, ये और कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं। बस ये जो नई पीढ़ी है ना, ये जो एक नए एक जनरेशन है लड़कियों की, जो लाइक अराउंड अभी टीनेज अपनी टीनेज में होगी, उसे एक इनडायरेक्ट मैसेज दे रही है कि अगर ऐसा होता ऐसा है तो ये सॉल्यूशन है। सही बात है। और अभी कोई बात नहीं घुमा रहे, इसने जो बातें बोली है इसके मुझे 2 से 3 मतलब बता दो भाई, सारे मतलब एक ही बन रहे हैं कि अगर तुम्हारा पार्टनर थोड़ा कम है अपने उसमें, भाई 100 दिक्कतें होती है, जीन्स की दिक्कतें होती है भाई, उस बंदे की शायद जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं है, 100 दिक्कतें होती है। ये चीज सोच कोई लड़का बोले कि ये लड़की बेड पे अच्छी है। एग्जैक्टली एक बहुत गलत चीज हो रही है, मतलब एक चीज ये भी होती है कि जो लड़कियां लाइक कंसीव नहीं कर पाती ड्यू टू एज बड़ी हो जाती है, कुछ भी इशू होता है तो, अगर वो बंदा उसके लिए उसे डाइवोर्स ले ले तो वो गलत है भाई, है ना। और अगर वो लड़का 2 मिनट तक टिक पा रहा है क्योंकि उसे कोई दिक्कत है तो लड़की चीट करके आएगी। क्या भाई, मुझे चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मैंने कल वीडियो रात में देखी, मैंने भाई को भेजी, मैंने कहा भाई तुम्हें समझ आई? इन्हें कहा जीरो। भाई गर्मी लग रही है, एसी चला, एसी बंद किया कि आवाज ना आए वीडियो में। भाई बेल्ट पहन, हमारी आवाज ही गायब हो जाती है। एक मिनट, ये अभी गाड़ी, हाँ नहीं आएगी, नहीं आएगी, एक मिनट गाइस। हाँ सो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई चीज, जीरो लॉजिक, जीरो एकदम सेंस। एंड भाई तुम्हें बता रहा हूँ ऐसा नहीं होता, तुम्हारा पार्टनर अगर लो है उसे कोई दिक्कत है, फालतू की बातें पे मत इन्फ्लुएंस हो, उसे बात करो, उसे अपनी नीड्स बताओ, वो अपनी दिक्कतें बताएगा, अपनी नीड्स बताएगा। भाई बहुत तरीके होते हैं, ये कुछ सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है? ये भाई इस पे ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी पे अपना एक सोच थोप नहीं रहा। बस हमें बुरा लगा, एंड हमें कोई जो ये फीमेल है, मैम इससे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, मैं जानता भी नहीं, ना ये ब्लॉग पूरा है, एक रैंडम रील है जो रियल टॉक ने डाली। एंड भाई मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, मुझे बहुत बेकार लगा, क्योंकि यार वो ही है। अब मैंने चीज देखी, अब एंड्रयू टेट है सब जानते हैं, वो बंदा कुछ बोलता है वो गलत है, तो ये सही था, ये सही था। भाई कमेंट्स में तुम बताना क्या तुम्हें सही लगा, मुझे 0% सही लगा, मुझे बहुत बहुत खुंदक आई जी सुन के, बहुत ज्यादा खुंदक भाई, कोई बहुत खुंदक है। इस पे भी हमें गालियां पड़ सकती है जो भी हमने बात करी, हमेशा इस पे भी नेगेटिव मिलेगा, बट भाई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत गलत था, ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे होने लग गया तो भाई भाई
वो रिश्ते भी तो होते हैं हमारे माँ बाप के जो सालों से चल रहे हैं, उनमें दिक्कत नहीं आती होगी? सिर्फ मतलब इन द एंड सिर्फ सेक्स मैटर करते हैं लोगों को। ये कूल किड्स हैं भाई आजकल के जो होना भी है उनकी सीधी बातें। मेरा यही इस पर विचार था। यस हाय व्हाट्सअप। हाय भाई गाली नहीं यार गाली नहीं यार भाई मेरे ब्लॉग में गाली नहीं यार। पारिवारिक फैमिली प्रतिष्ठा अनुष्का हाँ। सो गाइस अब इसे छिदेगा कान इसे कान छिदेंगे एंड हम उसको ब्लॉग में लाएंगे। इसका दर्द होगा मजा आएगा। भाई कौन सा कान छिदवा रहा है? लेफ्ट लिखा भाई मर जाए मेरे को कह रहा है साले मर जाएगा। और भाई क्या करवा रहे हो? थारा भाई जो गाइस द प्रोसेस इज गेटिंग स्टार्ट। भाई भाई डर लग रहा है? डर नहीं भाई नहीं लग रहा डर। आर्ट आर्टिस्ट भाई यहाँ से देखा यहाँ भाई एक मेडिकल ग्रेड का एक मेडिकल ग्रेड का नहीं है। ओ भैया भाई कैसा लगा? अबे वो कान का वो पार्ट कहाँ गया जो निकलता है? पहले पीछे पड़ा हुआ है। और भाई का हो गया हमारा दिखा ये देखो कान चित गया। नाइस हाथ मिलाओ। आज से ये लड़की है ओए भाई तू मैं मतलब जो करवाता हूँ लड़की होता है ब्रो 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 चल यो व्हाट्स अप। सो इसी के साथ आज का ब्लॉग हम करते हैं एंड एंड प्लीज कमेंट में बताना कैसे लग रहे हैं ब्लॉग्स, थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है ना। सो यस एंड मम्मी चलो गाइस गुड नाइट सी यू सून मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एंड भाई प्लीज सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो यार। बाय।